हाय एवरीवन हाई एवरी वन आज हम बात करेंगे एक तरह के शॉल्स जो कि एक एंडेंजर्ड एनिमल से बनते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे ये कौन सा शॉल है किस तरह से बनता है कहाँ बनता है और कौन से एनिमल से बनता है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टूगेदर वी कैन मेक्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। बाकी जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उसको मैं बता दूं, उनको बता दूं कि स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई के पास अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर पीएससी जम्मू कश्मीर जीके कोर्स जम्मू कश्मीर एसआई कोर्स इसमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम शाहतोश के शॉल्स की बात कर रहे हैं शाहतोश का जो शॉल है काफ़ी देर से बैन है कि ये बिकेगा नहीं ये आइटम नहीं बिकेगा क्योंकि ये कैसे एनिमल से बनाया जाता है जो कि एंडेंजर्ड है यूजुअली आपने कश्मीर में पश्मीना शॉल्स का नाम सुना होगा कोई भी कश्मीर घूमने आता है तो बोलता है पशमी शॉल लेके आना पश्मीना शॉल्स लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं ख़रीदते भी हैं लेकिन शहतूश का नाम इसलिए ज़्यादा नहीं सुना होगा एक तो काफ़ी टाइम से बैन भी है और दूसरा ये बहुत ही वेल्दी लोगों का एक आइटम था जो खरीदते थे क्योंकि बहुत ही महंगा बिकता है लाइक एक पीस जो है शॉल का या स्काफ का होगा ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर में बिकेगा ओके ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे तो इसलिए आम इंसान इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता था तो इसके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं था लेकिन इलीट रॉयल लोग जो थे पहले पुराने जमाने के वो इसको रखते थे राइट अब देखिए कश्मीरी पश्मीना तो फेमस है ऑल दो पश्मीना जो ओरिजिनल पश्मीना आता है वो भी उसकी प्राइस भी काफ़ी हाई रहती है लेकिन फिर भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको ख़रीदते हैं पश्मीना फाइबर का थिकनेस अराउंड ट्वेल्व माइक्रॉन्स रहता है और शतुष का जो वूल है उसका अगर आप थिकनेस देखेंगे तो अराउंड टेन माइक्रॉन होता है अगर आपको समझाने के लिए मेरिग्नो वूल की अगर हम बात करें 18 टू 24 फोर माइक्रॉन्स ह्यूमन हेयर आपका अप्रॉक्सीमेटली 70 माइक्रॉन्स का है तो यहाँ से आप इसके वूल के इसके एक धागे की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पतला होता है और काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं ये शॉल बहुत वॉम्थ देते हैं ठंडे इलाके में लोग तभी इनको लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉम भी रहते हैं पर्शिया में शहतूष को किंग ऑफ वूल कहा जाता है कि जितने भी अलग अलग तरीके से हम वूल ऑप्टेन करते हैं उसमें सबसे बेहतर शहतूष माना जाता है किंग ऑफ वूल इसको कहा जाता है लेकिन बात वही है कि ये एक एंडेंजर्ड एनिमल से आपको मिलेगा और वो एंडेंजर्ड एनिमल क्या है तिब्बतन एंटीलोप जिसको लोकली हम चीरू बोलते हैं ठीक है चीरू या फिर आप मान लीजिए तिब्बतन एंटीलोप है ये आपको सब जीरो टेम्परेचर्स में मिलेगा चांगथांग एरिया जो है तिब्बत का वहाँ पे ये आपको मिलेगा तो अगर अगर आज ये लेक्चर आप देख रहे हैं और आपने शाहतूष के बारे में पहले नहीं सुना तो जिस तरह से मैंने बताया बैन हो गया था इसके जो डेरिवेटिव थे इसके जो प्रोडक्ट थे 1975 से ही बैन है क्यों बैन किया गया था क्योंकि जो कंजर्वेशनिस्ट हैं जो एनिमल्स की प्रोटेक्शन पे काम करते हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया कि चिरूज को लोग ब्रूटली मार रहे हैं उसकी वूल के लिए इस ट्रेड को चलाने के लिए इस एनिमल को मारा जाता है फिर उसकी वूल जो है वो ऑप्टेन की जाती है अब देखिए पश्मीना के केस में क्या होता है वो एक हम गोट से ऑप्टेन करते हैं कौन सी गोट से ऑप्टेन करते हैं पश्मीना का वूल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अब उस केस में क्या है गोट के केस में कि जो हमारी नोमैडिक कॉम्यूनिटीज़ हैं या जो लोग पश्मीना का, का काम करते हैं वो गोट्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं उनको पाल सकते हैं राइट लेकिन चिरूस के केस में क्या है कि उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता वो वाइल्ड हैं अब वो वाइल्ड हैं तो उनको मारा जाता है फिर उनकी वूल को ऑप्टेन किया जाता है लिया जाता है तो इस वजह से चिरू की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई और एक ऐसा समय आ गया था कि ये ये एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला था तो इसलिए इसको कंजर्वेशनस ने बैन करवाया और बैन के बाद भी इ आपको पता ही है कि हर चीज़ इलीगली भी चलती है काफ़ी समय तक ये इलीगली इलीगल किलिंग्स भी एनिमल की होती रही लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स भी रखी सिर्फ इंडिया में ही नहीं या हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात नहीं करें जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका बहुत डिमांड था शतुष के शॉल का जहाँ बहुत ठंड थन, ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे भी इसके लिए पनिशमेंट्स और फाइंस रखे गए कि शाहतूष को यूज़ नहीं किया जाएगा लेकिन फिर भी वाटर अथॉरिटीज़ जो हैं सीज़ करती रही स्मगलिंग के आइटम्स स्पेशली शॉल्स और स्कार्फ्स बहुत ज़्यादा मिलते थे हर साल कि जो आ, ट्रेड है इलीगल ट्रेड जो है वो चलती रही और इससे चीरू की पॉपुलेशन जो है वो कम होती रही इस एनिमल की पॉपुलेशन देखिए यहाँ पे एक कोई बाइल डैनियल हैं बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये एक तबतन एंटीलोप है एंडेंजर्ड है 90 परसेंट पॉपुलेशन इसकी लास्ट पच्चीस सालों में खत्म हो गई है अब इसका जो फर है उसको स्का्फ्स शॉल्स बनाने के काम आता है और एक स्काफ़ का प्राइस ट्वेंटी थाउजेंड होता है और एक स्काफ आप मान लीजिए अगर आप बना रहे हैं तो उसमें चार एनिमल्स को मारना पड़ता है उसमें चार जो एंटीलोप्स हैं उनको शहादत देनी पड़ती है तो आपका स्काफ पाँच साल तक चलता है और पाँच साल अपने शौक पूरा करने के लिए आपने चार एनिमल्स को मार दिया सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग राइट हम शॉल्स को किसी और चीज़ से आ, या बाकी जो स्टफ्स आजकल फैब्रिक्स आते हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं अब स्टडीज में ये भी पता चला ये पता चला जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता इसलिए इसको मार के इस एनिमल से वूल डिराइव की जाती है नेशनल जोग्राफी ने भी रिपोर्ट किया टू में कि ग्लोबल डिमांड जो है शातकूश की वो भी कम हुई है जिससे देखिए एक समय था कि इस एनिमल का पॉपुलेशन मिलियंस में था बहुत ज्यादा ये एनिमल्स पाए जाते थे लेकिन फिर एक ऐसा समय आया कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला हो गया अब ऑलमोस्ट दो लाख तक इनका पॉपुलेशन माना जाता है और अगर इंडिया की बात करें लद्दाख रीजन में ये पाया जाता है और इसका पॉपुलेशन अराउंड थ्री हंड्रेड है ठीक है तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है थ्री हंड्रेड ऑबियसली जब एक समय था मिलियंस ऑफ एनिमल्स थे आज कुछ ही बचे हैं अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि शातुश एक मिथी बन गया क्योंकि अभी मार्केट में नहीं मिलता अब जो फ़ैमिलीज़ हैं जो शातुश का काम करती थी क्योंकि ये भी एक कला है शातुश के शॉल को बनाने की राइट right? उस कला के पैसे भी लगते हैं वूल के साथ साथ तो अब जो फोर्थ जनरेशन्स हैं कश्मीरी फैमिलीज़ की या क्राफ्ट्समैन की जो शाहतूष का काम करते हैं फाइनली वो लोग शाहतूष वीविंग से किस पे आ गए पश्मीना वीविंग पे क्योंकि उसको उनको तो अपना काम चलाना ही है तो वो इंस्टेड ऑफ शाहतुष दे आर मेकिंग पशमीना तो जैसे मैंने बताया शाहतूष को एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता था जैसे जो मुगल राजा थे अकबर शाहजहाँ बहुत शौक से इसको पहनते थे गिफ्ट करते थे आगे पीछे लोगों को तो एक स्टेटस सिंबल भी शातूस जो है वो माना जाता था यहाँ पर ये ट्वीट्स भी आप डिफरेंट डिफरेंट इनके बारे में पढ़ सकते हैं ना आज अगर आप शातुष की बात करें तो अगर कहीं पे इसका प्रोडक्ट मिलता है तो जेल भी हो सकती है और स्विट्जरलैंड में देखिए फाइव थाउजेंड फोर ट्वेंटी वन डॉलर्स का फ़ाइन है यूएस में भी वन लाख डॉलर्स का फाइन है इंडिया में फ़ाइन सिक्सटी सिक्स डॉलर्स के करीब है अगर हम डॉलर्स में ही बात कर रहे हैं तो तो अभी भी शातुश ऑब्वियसली एक क्लास सिंबल है बट इसको यूज़ नहीं किया जाता और इट इट कैन लैंड यू इन जेल और इससे आपको फाइन भी देना पड़ेगा मार्केट में अगर आप जाएंगे देखिए जैसे पश्मीना हम लोग खरीदते हैं अब जो लोग खरीदते हैं वो तो ओरिजिनल देख के समझ जाते हैं कि पश्मीना भूल है लेकिन कई बार स्ट्रीट में आपको पश्मीना के नाम पे पता नहीं क्या बेच दिया जाएगा तो इसी तरह से शातुश के साथ भी होता है कि नकली प्रोडक्ट्स जो हैं स्ट्रीट मार्केट्स में उसके नाम पर बेचे जाते हैं फिर बीच में इस तरह के और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे कि कहीं पे ऑक्शन के नाम पे लोगों को बुलाया गया कि शाहतूश प्रोडक्ट का ऑक्शन है वहाँ पे लोग आए और फिर उन वहाँ पे रेड हुई बहुत सारे शाहतूष के प्रोडक्ट्स पकड़े गए तो बीच में इस तरीके की लेकिन जो लोग शाहतुष को बैन होने के बाद भी यूज़ करते रहे लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया अब देखिये यहाँ जैसे सऊदी क्राउन आ, ये प्रिंस हैं इन्होंने कश्मीरी शाहतूश शॉल जो है यूज़ किया तो यहाँ पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एक और एक्ट्रेस थी कोई उन्होंने बोला था कि वो हमेशा शातुष का शॉल लेके चलती हैं लेकिन बाद में टीवी ने क्लियर किया कि जो होस्ट थे कि इट वाज नॉट अ शातुष शॉल ओके okay, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता रहा उन लोगों को जो कि शातुष को द कैप्टन यूजिंग कि वो कहाँ से ला रहे थे अब जैसे मैंने आपको बताया कि शहतोष का सबसे ज्यादा डिमांड इलीट मार्केट से आता है इलीट बायर से आता है वेस्ट एशिया स्विट्जरलैंड, हांगकॉग चाइना यूके इटली यूएस जापान और यहाँ पे फिर इलीगल ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स होती है तो अब बीच में ऐसा ट्रेंड भी चला था कि एयर कार्गो से जो है इलीगल शातुश का वूल जो है वो भेजा जाता था बहुत सारे वुलन मटेरियल के साथ बीच में शातुष को पैक कर दिया लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम यहाँ पे स्पेशल चेकिंग रखेंगे ताकि हम शातूष के ना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पशमीना से अलग कर सकें कई बार लोग बोलते हैं पशमीना है पशमीने का वूल है लेकिन वो शातूष का होता था तो इंडिया एक टॉप कंट्री है जहाँ पे शातूष प्रोडक्ट्स इलीगली आपको बहुत ज़्यादा ट्राफिकिंग में पकड़ जाते हैं। और बीच में तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, बार मिलते हैं। तो को मारा जा रहा है और ये शॉल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं डाउरी आइटम के तौर पे भी इसको यूज किया जाता था कि जो बेटियों की शादी होती थी एज हेरिटेज फैमिली ट्रेडिशन शायद शॉल जो है वो पास किए जाते थे लेकिन ऑब्वियसली जो फैमिलीज़ कश्मीर में पहले इन्वॉल्व थी शाहतूष के लिए वो ये नहीं बोलते कि हम चीरूज को मार के शॉल बनाते थे जैसे कि जब ये लो लाइंग एरियाज़ में चीरूज आते हैं ये अपने आप को रब करते हैं अगेंस्ट द ट्रीज या स्टोन्स तो जो फर इनका नीचे गिर जाता है हम उसको कलेक्ट करके शॉल बनाते हैं तो खैर ये शातुश की बात थी बाकी जैसे हैंडलूम का जो काम हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम जो कश्मीर में होता है गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस भी जोग्रफ़िकल इंडिकेशन सर्टिफाइड हैंड पश्मीना शॉल्स के लिए ऑफ़र किए हैं ताकि ये जो ओल्ड टेक्निक्स हैं ये चीज़ें बनाने की ये चल ये टेक्निक्स जो हैं चलती रहे अलग अलग टेक्निक से बनाया जाता है लूम वूवन होता है कनी शॉल्स होते हैं नीडल से बनाए जाते हैं वुमेन ऑन्टरप्रोर्स को बूस्ट करने के लिए वुमेन uh, को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी इसको हैंड वुमेन जो है उसको प्रमोट किया जाता है देखिए गोट की अगर बात करें गोट चाइना so का नेटिव है इंडिया में लद्दाख में आपको मिलेगा इसका नंबर गिर गया है बहुत ज्यादा जैसे मैंने आपको बताया तो टू थाउजेंड सेवेंटीन में इसको नियर थ्रेटिन कैटेगरी में भी आयु सी एन की रखा गया और चांगथांगी है जिससे आपको पशमीना मिलता है तो so, ये इंडिजीनियस है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है अल्ट्राफाइन कश्मीर वूल आपको इससे मिलेगी जिससे पशमीना बनाया जाता है अब इस गोट को लोग पालते हैं डोमेस्टिकेट किया जाता है नोमैटिक कम्युनिटीज जो चांगपा है चांगथंग रीजन ग्रेटर लद्दाख में वो इसको डोमेस्टिकेट करते हैं अब आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स चांगथंगी एंड चीरू चांगथंगी लिव्स इन हॉट एंड एरिड एरियाज एज चीरू इज टू लिव इन सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ कोल्ड हाई माउंटेस चांगथंगी इज एन एंटीडो इज अ प्राइमेट चांगथंगी इज फॉर पश्मीना वूल वो वैर इज रियर फॉर गेटिंग शतू चांगथंगी इज पोच फॉर इट्स हॉर्न्स वाइल्ड चीरू इज हंटेड फॉर इट्स मस्क, व्हिच हैज ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए और ना टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए वहाँ पे आपको सही आंसर से पता चलेगा बाकी कोई भी क्वेरी हो या कोर्सेज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच